भाई आप आज के वीडियो में जो अपन देखने वाले हैं, इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू, कौन सी गाड़ी मारुति इको 5 सीटर एसी वाली जो मॉडल आती है 5.68 लाख रुपीज़ सेक्स शोरूम इसका जो है आपको पड़ जाता है। जैसे कि आपको पता है कि मारुति की एक और नई लेगेसी मेंटेन करने वाली गाड़ी है, नहीं बोलूँगा क्योंकि इसका फेसलिफ्ट आने का चल रहा है। बहुत सारे मैंने थंबनेल्स वगैरह वीडियोस वगैरह देखे हैं और अभी तो ऐसा कुछ स्पाइड वगैरह का नहीं देखा हूँ इसका मैं अभी तक, लेकिन स्पेसेस गाड़ी में से एक और ये गाड़ी है चलने में, मारुति ओमनी का जो है थोड़ा सा न्यू लुक वर्जन इसको बोल सकते हो। आज के वीडियो में इस गाड़ी का पूरा टोटल ओनरशिप रिव्यू जानेंगे और ड्राइव एक्सपीरियंस भी जानेंगे। ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर का ड्राइव होके इस जगह पे आई है ये गाड़ी। अपने साथ है अंशुमान सर। अंशुमान सर आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक और बार। और जैसे कि इस गाड़ी को आप ओन करते हो सर, सियाज को भी आप ओन करते हो, इस गाड़ी को भी आपको ओन करते हो, इस गाड़ी को लेने का मेन पर्पस सबसे पहला पॉइंट तो ये रहेगा। देखो ये गाड़ी जो है ना मोस्टली यूज़ होता है एम्बुलेंस में, लॉजिस्टिक्स में, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं और एम्बुलेंस वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं। उन दोनों के यूज़ करने का मेन पर्पस ये होता है गाड़ी को मिलने वाला स्पेस प्लस गाड़ी का कॉस्ट। जिस कॉस्ट में ये गाड़ी आता है उस कॉस्ट में मेरे को दूसरा कोई कंपनी का गाड़ी मिला नहीं, ठीक है। और एक मारुति का ट्रस्ट भी है क्योंकि मैं खुद मारुति की गाड़ी ऑन करता हूँ पिछले 5 साल से तकरीबन, है ना। तो एक तो मेरे को चाहिए था बहुत ज़्यादा स्पेसियस गाड़ी क्योंकि इस गाड़ी को मोस्टली मेरे फादर चलाने वाले हैं। मेरे फादर रहते हैं विलेज में और मेरे ग्रैंडफादर भी जिंदा हैं अभी, तो अभी तो व्हील चेयर पर चलते हैं। तो कभी उनके साथ हमें कहीं जाना है तो हमें व्हील चेयर को गाड़ी में रखने में बड़ी दिक्कत आती थी, ठीक है। क्योंकि मेरे पास है सियाज और एक XUV300। सियाज में बूट स्पेस ज़्यादा है लेकिन इतना नहीं है कि एक व्हील चेयर फिट आ जाए उसमें। XUV300 का वही हाल है, उसका बूट स्पेस बहुत कम है, तो व्हील चेयर दोनों में फिट नहीं आ रहा था। प्लस कभी भी हम गांव से आते हैं तो आपको पता है बहुत सारा सामान रहता है, वहां से इधर लेके आते हैं, यहां से वहां लेके जाते हैं। तो हमको एक बैकअप कार चाहिए था जिसमें लगेज बहुत सारा आ जाए, अच्छा, और ज़रूरत से ज़्यादा लगेज हम डाल के ट्रैवल कर सकें। और कभी कभार हम कैंपिंग वगैरह में भी जाते हैं, लॉन्ग टूर में भी जाते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ये, क्योंकि सामान मेरा मेन मकसद वही है कि सामान काफ़ी ज़्यादा आना चाहिए। तो मतलब ये बेसिकली इस गाड़ी का जो पर्पस है आपके हिसाब से, जो आप इसलिए लिए हो, घर का भी काम आ जाए, पर्सनल भी काम आ जाए और लगेज वगैरह का भी मल्टीपर्पज यूज़ के हिसाब से आप इस गाड़ी को लिए। अभी तक इस गाड़ी को कितना किलोमीटर चला है आप? तकरीबन 5000 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर चला है। 4888 किलोमीटर एग्जैक्ट तक चला है। मैंने इस गाड़ी को लिया है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। परचेज यहीं से किया हूँ मैं, मेरा होम टाउन बिहार है। तो मैं गाड़ी को लेने के बाद यहाँ से 1200 किलोमीटर नई नई गाड़ी को लेकर 1200 किलोमीटर खुद ड्राइव करके गया था बिहार। और अभी रिसेंटली फिर से दोबारा 1200 किलोमीटर में ड्राइव, मतलब 2400 किलोमीटर चला, 2400 किलोमीटर चला चुका हूँ 5000 में से। हाँ हाँ, वो भी लंबा ड्राइव एकदम। हाँ, मतलब एक दिन में तकरीबन 600 किलोमीटर मैंने चलाया गाड़ी को, राइट, नॉन स्टॉप। हाँ ठीक है। अब 600 किलोमीटर ड्राइव एक्सपीरियंस का बात करोगे ना, तो देखो ये गाड़ी अपने प्राइस के अकॉर्डिंग मेनली सिर्फ लॉजिस्टिक्स पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, राइट। कम्फर्ट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और एक चीज़ बोलूँगा सर, बीच में रोक रहा हूँ आपको, कि इस गाड़ी से आप इतने बड़े जर्नीज को भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, जनरली लोग नहीं करते, जनरली लोग नहीं करते हैं, मतलब लोग करते हैं लॉजिस्टिक्स। हाँ, वाले करते हैं। हाँ, क्योंकि जिनको लगेज वगैरह ट्रांसफर करना होता है वो लोग करते हैं। फैमिली को लेके 5 लोगों को बिठा के नहीं करता कोई, नहीं करता कोई। बहुत कम लोग होते हैं जो इतना लंबा ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो मैं क्योंकि 600 किलोमीटर गाड़ी को चलाया, राइट। अब गाड़ी का डिज़ाइन ऐसा है जो टॉल बॉय डिज़ाइन टाइप का गाड़ी है, ये वैगन आर टाइप की गाड़ी हो सकती है, उसमें ज़्यादा कंफर्ट आ गया आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन सरप्राइजिंगली जब गाड़ी के अंदर लोड बहुत ज़्यादा रहता है ना, अगर आपका बूट में सामान भरा है, 5 लोग बैठे हैं, तब गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल चलती है रोड पे। हैं, इनफैक्ट ख़राब रास्तों में ना बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। ओके, अनएक्सपेक्टेड परफॉर्म करेगी। हाँ, ठीक है। ज़्यादा आपको बम्प वगैरह फील नहीं होगा, खराब रास्तों में आसानी से चली जाती है क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी हाई है, तो कहीं पर टच होने का इशू नहीं आता है। इनफैक्ट आप सामान लोड कर दोगे तब भी ये टच नहीं होता है, कितना हाई है ग्राउंड क्लियरेंस इसका। अब ये एक्सपेक्टेड नहीं था जब मैं गाड़ी लिया और जब मैं ड्राइव किया तब इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाया। बारिश चालू हो चुकी है। जैसे कि आप बता रहे थे इस गाड़ी के कम्फर्ट के बारे में, तो इस गाड़ी में प्रॉपर सस्पेंशन आता है कि वो पट्टा आता है? हाँ, देखो इतना रिसर्च मैंने किया है कि कौन सा चीज़ है इसमें। हाँ हाँ, देखो जब मैं बता रहा 5.5 लाख के बजट में जब आप गाड़ी खरीदते हो ना, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करना भी नहीं चाहिए किसी भी कंपनी से। सही बात है, क्योंकि 5.5 लाख में आपको एक 4-व्हीलर मिल रहा है, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। और ये भी अच्छा खासा स्पेस के साथ मिल रहा है। हाँ, अच्छा खासा स्पेस है, मतलब स्पेस लिटरली बहुत ज़्यादा स्पेस है। हाँ, अभी पीछे का बूट खोल के आपको दिखाते हैं,
बहुत मतलब हद से ज्यादा स्पेस है, काफी ज्यादा। अगर इसको अगर अपन 5 सीटर मतलब ऐसे लीगली तो 5 सीटर है ये, लेकिन अगर इसको अपन 7 सीटर भी यूज कर सकते हैं एज अ डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। हां 7 सीटर भी इतना स्पेस है, इतना स्पेस है। इनफैक्ट मारुति 7 सीटर ऑफर भी करती है। हां आप अगर चाहो तो 7 सीटर भी गाड़ी ले सकते हो, उसका प्राइस पहले थोड़ा ज्यादा लगता है और थोड़ा टैक्स वगैरह भी ज्यादा पे करना पड़ता है जब आप 7 सीटर गाड़ी खरीदोगे। आप 5 सीटर खरीद के उसको 7 सीटर बनाओगे तो वो थोड़ा सा इलीगल हो जाता है, आप लीगल चीजों में फंस सकते हो। तो बेटर है कि आप 7 सीटर ही खरीदो मारुति की तरफ से, ताकि वो ऑन पेपर भी 7 सीटर रहेगा। लेकिन 7 सीटर में एसी वाला नहीं आता ना? एसी वाला नहीं आता उसमें, उसमें फैन आता है बस, एसी नहीं मिलेगा। सर इस गाड़ी को चलाने में आपके हिसाब से क्या आप एक आज की डेट में जितना भी एडवांस गाड़ी आ चुकी है, जो दो गाड़ी रखा है, ये गाड़ी भी रखा है और वो गाड़ी भी रखा है, तो क्या चीजों का चैलेंजेस करना पड़ेगा अगर चलाना है तो? हाँ कुछ चैलेंजेस काफी सारे हैं, जैसे कि इसका जो स्टेयरिंग है ना वो आज भी मैकेनिकल आता है। पावर स्टेयरिंग नहीं, पावर स्टेयरिंग नहीं आता इसमें, तो स्टेयरिंग ओवर द टाइम वैसे भी काफी ज्यादा हार्ड है। राइट ठीक है। अगर खड़ी गाड़ी में आप छोटे मतलब नॉर्मली जब स्टेयरिंग को आप रोटेट करोगे तो बहुत ज्यादा हार्ड फील होगा। ठीक है, लेकिन जब आप चलाते रहोगे तो इतना ज्यादा पता नहीं चलता है, लेकिन हाँ स्टेयरिंग इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग के कम्पेटिवली बहुत ज्यादा हार्ड है, आपको वो चीज महसूस होता रहेगा हमेशा। ठीक है, उसके अलावा क्योंकि एक ये टॉल बॉय डिजाइन है तो आप काफी ज्यादा हाई बैठते हो, आपकी विजिबिलिटी काफी ज्यादा रहती है, आपको दिखाई देता है ज्यादा, तो ऑब्वियसली बात है आप थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, है ना। एक सेकंड सीट बेल्ट लगा लेते हैं। ठीक है, तो टॉल बॉय डिजाइन है ना तो आप काफी ज्यादा हाई बैठते हो इसमें, आपको ज्यादा विजिबिलिटी मिलता है जस्ट लाइक एसयूवी, है ना। तो ऑब्वियसली बात है उसमें आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है और आपको चलाने में भी मजा आएगा फिर गाड़ी में। राइट। और सर जैसे कि आप बता रहे थे इसका वाइपर का दो ही मोड आता है। हाँ वाइपर में थोड़ा सा एक इशू है क्योंकि मैं एक सियाज गाड़ी चलाता हूँ, जो कि ऑब्वियसली बात थोड़ा लग्जरी गाड़ी है तो थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट तो मिलता ही है उसमें। तो अब मैं सियाज में चलाता हूँ, सियाज में तीन मोड्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बारिश कम हो रही है तो अगर मैं वाइपर को ऑन करता हूँ तो आप अगर वाइपर की तरफ देखोगे, ये देखो ये इसका लो मोड है। सियाज में ये मोड सेकंड मोड में आता है। राइट। अगर बारिश कम हो रही है तो सियाज में एक ऑप्शन है जहाँ पे वाइपर थोड़ा स्लो चलता है, थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है। लेकिन ये थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि ये कॉस्ट कटिंग का एक फीचर है। इसमें दो ही मोड आता है, मतलब हाई और लो। हाई और लो, बस दो ही मोड, बीच का कुछ नहीं है। बीच का कोई मोड नहीं है, मतलब लो से नीचे भी एक मोड आना चाहिए था। सर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इस गाड़ी में आप बढ़िया से फुल काम वगैरह करवाए, स्क्रीन वगैरह लगवाए और डैश कैम वगैरह है फुल, मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं मारुति के 5-6 लाख के गाड़ी में बैठा हूँ। तो इसका कॉस्टिंग क्या आया है अगर पूछूं तो मैं आपसे? हाँ देखो, मैंने टोटल एक्सेसरीज में तकरीबन 1.5 लाख रुपए खर्च किए हैं इसमें। अच्छा, मतलब 6 लाख देने के बाद आपने 1.5 लाख, मतलब मोटा मोटा 7.5-8 लाख तक गाड़ी पड़ जानी है। 7.5 लाख की तकरीबन ये गाड़ी पड़ा मेरे को सब कुछ फिट करने के बाद। ओके, अब आप पूछो कि 1.5 लाख में क्या क्या एक्सेसरीज मैंने लगवाया है। तो जो चीजें इसमें नहीं मिलती है जैसे की पावर विंडो, ओके, मतलब इनिशियली जब आप गाड़ी खरीदोगे तो आपको रोलिंग वाला विंडो मिलेगा, आप हाथ से घुमा के अप एंड डाउन करोगे। राइट। और वो आज के रेट में काफी ज्यादा आउटडेटेड है। लगता है कि 5.5-6 लाख के बजट में मारुति को कम से कम पावर विंडो जैसा फीचर तो देना चाहिए। देना चाहिए, भले आगे का ही दे दें दो बटन, लेकिन देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आपने इसमें एडिशनली पावर विंडो लगवाया, फिर इसमें ये टच स्क्रीन नहीं आता है इसमें, मैनुअली इसमें कुछ नहीं आता है, रेडियो भी नहीं आता है। ठीक है, तो वो सब कुछ आपको लगवाना ही पड़ेगा अलग से। ये हमने लगवाया था तकरीबन 15-16 हज़ार रुपये का ही आया था, मैप माई इंडिया की तरफ से आता है। ओके। और डिसेंट डिस्प्ले है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं बोल सकते। राइट। 16 हज़ार के बजट में ये ठीक ठाक है। इसके अलावा हमने यहाँ पे डैश कैम भी लगवाया फॉर सेफ्टी पर्पस, है ना। इस डैश कैम का भी लग तकरीबन 16 हज़ार रुपये के आसपास का दाम है, क्योंकि फ्रंट और रियर दोनों कैमरा लगा है इसमें। उसके अलावा मैंने इसमें लाइट्स भी चेंज करवाया, तो इसमें जो हेडलैम्प आता है वो हेलोजन लैम्प आता है, तो उसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा हाई पावर का वाइट कलर का लाइट लगवाया, एलईडी वाला। उसके अलावा हमने एडिशनल दो लाइट और लगवाया जो कि प्रोजेक्टर है। ओके। ठीक है, ताकि विजिबिलिटी हमको ज़्यादा बेटर मिले और मिले, है ना। तो लाइट्स के अगर मैं बात करूँगा तो मैंने जो हेडलाइट जो मैंने चेंज करवाया है वो तकरीबन 6 हज़ार रुपये का है, और जो मैंने प्रोजेक्टर लगवाया है वो तकरीबन 16 हज़ार रुपये का है।
मोटा मोटा ये 30-40 हज़ार तो यहीं 30-40 हज़ार तो यहीं पे हो जाता है, यहीं पे हो जाता है। फिर मैंने मैटिंग वगैरह करवाया है और भी छोटे मोटे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उस सारा खर्चा मिला के तकरीबन हमको 1 लाख तक का, हाँ 1 से 1.25 लाख तक का खर्चा आ गया, बैठ ही गया। तो सर उतने में भारत की और कोई गाड़ी आप लेते वैगनार वगैरह या स्विफ्ट वगैरह बेस मॉडल इसे उसमें जो कि ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आ जाती, और ऐसा मतलब यूटिलिटी जो आप बताए उसमें तो वो फिट नहीं बैठता ऑब्वियसली बात है। तो ये गाड़ी लेने का मेन पर्पस है फैमिली और थोड़ा सा पर्सनल यूज भी, हाँ बोल सकते हो सर दोनों। अब देखो क्योंकि मैं अगर सारा ऐसे सिलसिला के 7.5 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ, हाँ। तो 7.5 लाख में तो वैगनार भी आ जाती है, इसका सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं, हाँ। और समाओ मुझे लगता है बलेनो जैसी गाड़ी भी आ जाती है, बेस मॉडल तो आ ही जाता है, ठीक है। लेकिन वो ये ना कि जो मेरा मेन पर्पस है, मुझे अगर एक व्हील चेयर फिट करना है मेरी गाड़ी में वो नहीं फिट होगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा। व्हील चेयर फिट करना है या फिर मान के चलो कि मुझे एक एक बोरा चावल ले जाना है, एक बोरा गेहूँ ले जाना है, हाँ। और कुछ ले जाना है क्योंकि मैंने बताया गांव में ही गाड़ी चलेगी ज्यादा, गांव में हम इस तरह की चीजों को ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हाँ। कभी हम खेत से घर पे ला रहे हैं या घर से कहीं और लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप किसी भी लग्जरी गाड़ी को लेके नहीं जा सकते हो, ठीक है, चाहे वो वैगनार हो या फिर कोई दूसरी गाड़ी हो, तो वहाँ पे आपको चाहिए एक रफ एंड टफ गाड़ी जिसका ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा हो, है ना, जो खराब रास्तों में भी चली जाए, और ये गाड़ी उस चीज में परफेक्ट बैठती है। सर एक टैंक में ये गाड़ी कितना चल गई? एक टैंक में तकरीबन 600 किलोमीटर के आसपास, 600 किलोमीटर चले जाते हैं, आराम से चले जाते हैं, कैसे भी चलाए तो, हाँ। अभी जैसे मैंने रिसेंटली मैंने चलाया है, हाँ। तकरीबन 1200 किलोमीटर मैंने चलाया है बिहार से छत्तीसगढ़ तक, तो मैंने माइलेज भी टेस्ट किया था, तकरीबन 17 का माइलेज आता है, आराम से दे रही है, हाँ आराम से, अगर आप 80 के स्पीड के नियर अबाउट चलाओगे 17 का माइलेज देगा डिसेंट स्पीड में, क्योंकि इसमें क्रूज कंट्रोल वगैरह है नहीं, कुछ भी नहीं है, नहीं स्टीयरिंग और कंट्रोल नहीं है, बहुत ही डिसेंट और क्लीन स्टीयरिंग है इसका, पूरा क्लीन स्टीयरिंग, ठीक है, और स्टीयरिंग का फीडबैक भी काफ़ी बेटर है इसका, ठीक है, भले मैकेनिक है, भले मैकेनिकल है, हाँ। लेकिन फीडबैक अच्छा है, इतना मतलब ज़्यादा मतलब चलते टाइम ना, चलते टाइम खड़े रहेंगे तो फिर वो खड़े रहने में फिर आपको पूरा वो मैकेनिकल वाला फीलिंग करवाएगी, करवाएगा आपकी गाड़ी में, मतलब इलेक्ट्रिकल नहीं है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा गाड़ी को रोटेट करने के लिए, या फिर स्टीयरिंग अगर घुमाना चाहोगे, हाँ। काफ़ी मेहनत आएगा उसमें। आपके हिसाब से इस गाड़ी में क्या बेटर हो सकता था? हाँ बेटर हो सकता था अगर कंपनी वाले खुद ही गाड़ी का प्राइस 7.5 लाख कर दें, हाँ। और इलेक्ट्रिक मतलब स्टीयरिंग को इलेक्ट्रिकल कर दें, हाँ। कम से कम दो चार चीज़ें एक्स्ट्रा और, हाँ। दे दें। कुछ 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 चीज़ें हैं जैसे कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि स्टीयरिंग इसका इलेक्ट्रिकल हो जाए, हाँ। या फिर स्टीयरिंग थोड़ा लाइट हो जाए, है ना, और पावर विंडो आ जाए, कम से कम रेडियो का ऑप्शन मिल जाए इसमें, हाँ। एसी का ऑप्शन मिलता है, एसी काफ़ी बेटर काम करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, डिफॉगर वगैरह भी है सामने में, तो कूलिंग तो बढ़िया है, कोई कूलिंग अच्छा है उसके साथ, हाँ यूटिलिटी स्पेस बहुत कम है गाड़ी में, जो एक निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि 5.5 लाख रुपये भी आप दे रहे हो, अब देखोगे आपको सिर्फ यहाँ स्पेस मिलता है मोबाइल वगैरह रखने के लिए, है ना, थोड़ा बहुत स्पेस यहाँ मिलता है, तो यहाँ पे भी आप ज़्यादा सामान रख नहीं पाओगे, कुछ मतलब मेन जो यूजर्स आने वाले इमरजेंसी पे या क्विक यूज पे, हाँ, तो उसको अपन ज़्यादा कहीं स्टोर नहीं कर पा रहे, हाँ ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाओगे, तो वो एक स्पेस होना चाहिए, भले हाँ, इंसान के लिए बैठने के लिए स्पेस दे दिया है लेकिन सामान रखने के लिए स्पेस, सामान रखने के लिए स्पेस नहीं है इतना ज़्यादा, नहीं कोई भी इसमें बॉटल होल्डर नहीं है, ओके ठीक है, तो बॉटल रखने का कोई स्कोप नहीं है आपके पास, बॉटल ढूंढते रहेगा कहीं ना, बॉटल ढूंढ, हाँ इधर उधर घूमते रहेगा बॉटल, ठीक है, अब कुछ चीज़ें अच्छी जैसे सामने का पार्टीशन नहीं है, हाँ। तो यहाँ पे भी आप कोई ऐसा सामान रखना चाहो, हाँ। तो बड़ा सामान भी फिट हो जाता है क्योंकि पार्टीशन नहीं है, हाँ। लेकिन जैसे मुझे बॉटल रखना है मोबाइल रखना है, हाँ। तो मेरे पास ज़्यादा स्कोप ही नहीं है, नहीं। अब वो चीज़ आप लगवा भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी नहीं है ज़्यादा। सर आपको बताओ इस गाड़ी का 1.2 लीटर आता है 79 bhp और 104 Nm टॉर्क निकाल के देते हैं, इसका जो इंजन है यहाँ पे आपको सीट के नीचे मिलता है, सर इसके फीडबैक की अगर बात करें इंजन जैसे आपको सीट के नीचे मिलता है तो अंदर केबिन में हीट का कोई ऐसा दिक्कत नहीं आता इसी के कूलिंग में और सब नहीं, इंजन जो है ना ऐसा काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, हाँ। तो ऐसा गाड़ी के अंदर कभी ऐसा फील नहीं होगा कि इंजन के ऊपर ही आप बैठे हो, राइट, ठीक है, और ऐसा नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा आता नहीं है अंदर में क्योंकि क्या बोलते हैं उसको इंसुलेशन काफ़ी बेटर है गाड़ी का, है ना, और गाड़ी का रिफाइनमेंट भी है तो ज़्यादा साउंड करता भी नहीं है, हाँ। तो आप रिसेंटली 70-80 के स्पीड में चलाओगे, हाँ। तो आपको ज़्यादा साउंड फील नहीं होगा, गर्मी भी ज़्यादा अंदर आती नहीं है, एसी काफ़ी बेटर परफॉर्म करता ही है इसका, तो ठीक है ओवरऑल बढ़िया है गाड़ी।
तो ठीक है गाइस, होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक और ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।